आप जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अरफान भाई जिन्होंने शबनम मजीद के साथ ये देसी बाशब गाना किया है वो भी होंगे हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ के ही साथ और आज वो भी परफॉर्म करने वाले हैं मैनचेस्टर में. उनसे बातचीत करेंगे इस गीत के हवाले से, इनके म्यूजिक के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स कि वो आइंदा क्या करने वाले हैं. और बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, एज एन ओवरसीज कम्युनिटी, नॉट सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, जितने भी यहाँ पे हमारी जुबान को समझने वाले लोग हैं, हमें चाहिए कि हम अपने आर्टिस्ट की जरूर सपोर्ट किया करें, क्योंकि इतनी दूर से ये जो लोग आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आते हैं ताकि हमारे लिए परफॉर्म कर सके, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सके. और हमारे बच्चे यहाँ पे जो बसते हैं, जो पाकिस्तान शायद बहुत कम जा पाते हैं, वो अपने म्यूजिक से, अपनी जुबान से, अपने कल्चर से वो कनेक्ट कर सके. तो बात करते हैं जनाब हमारे प्यारे से भाई अरफान से. अस्सलाम वालेकुम अरफान भाई. जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अरफान भाई. सबसे पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त किस्म का आपका गीत है, दिसंबर में आपने रिलीज किया शबनम मजीद साहिबा के साथ, एक बड़ा नाम है सिंगिंग का. कैसा रहा, अंडर प्रेशर रह के तो नहीं आपने गाना गाया? हालांकि बहुत जबरदस्त गाया, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ जब आप गाना गाते हैं तो जरा मुश्किल हो जाता है गाना, लेकिन बहुत कमाल का निभाया आपने. नहीं मैडम, इस मामले में बहुत अच्छी हैं, शी इज अ वेरी नाइस लेडी, और उन्होंने मतलब बिल्कुल भी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं उनसे काफी जूनियर आर्टिस्ट हूँ. और बहुत फ्रैंकली उन्होंने मुझे अपने साथ जो है वो मतलब बड़ा नॉर्मल वे में कि नहीं बेटा आप जैसे आप बेहतर कर सकते हो वैसे करो, बिल्कुल रिलैक्स होके, और बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट उन्होंने स्टूडियो का क्रिएट करके तो फिर ये मेरे साथ जो है वो काम किया, और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सही. अच्छा अरफान भाई, इस गाने के हवाले से बताइए, जो कोलैबोरेशन है डू इट, अपने करियर का आगाज लोग अमूमी तौर पे डू इट के साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि डू इट में आप जैसे कि कहा कि इतनी बड़ी स्टार के साथ गाना गाना, और फिर उसमें इंसान ये एक नेचुरल चीज है, इंसान समझता है कि शायद मैं दब जाऊंगा. अमूमी तौर पर जो भी लोग अपने करियर के गाने शुरू के दिनों में गाते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो सोलो करें ताकि उनकी आवाज, उनकी पिच, उनकी जो टेक्स्चर होता है वो जरा ज्यादा निखर के सामने आए. लेकिन इतने बड़े स्टार के साथ गाना गाना और इतना जबरदस्त गाना, कैसा रहा फैंस के हवाले से, क्या रिस्पांस रहा फैंस का, और अपना भी बताइएगा कि जब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स आपने बताया कि उनके साथ जो आपका बिल्कुल उनके साथ इंटरेक्शन रही, लेकिन लोगों के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ. जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा, और बहुत लोगों ने जो इस चीज को अप्रिशिएट किया कि यार बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, लिविंग लेजेंड है मैडम शबनम मजीद, उनके साथ इतना बड़ा काम. तो पर्पज इसके लिए ये था, एक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करके, बहुत चीजें, बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री में आने के लिए सीखने को मिलती हैं, और दूसरा आप जब उनके साथ काम कर रहे हैं फिर वो आपको अपने लेवल पे ला के काम करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ी एक चीज होती है. फिर जितनी फैन फॉलोइंग उस बड़े आर्टिस्ट की है उतनी ही आपको भी मिलेगी, बहुत सारी चीजें जो है ये प्लस हो के साथ में चलती हैं. और स्टूडियो का एनवायरनमेंट वाज वेरी गुड, वाजिद अली खान तापू साहब मैडम के हस्बैंड और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर और वन ऑफ द बेस्ट तबला प्लेयर इन पाकिस्तान, उन जैसा तबला कोई नहीं प्ले करता तापू साहब के साहबजादे, तो उन्होंने इसका म्यूजिक दिया. रिंकू इनके बेटे, उन्होंने जो है वो रिकॉर्डिंग की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह. सही. अरफान भाई, मैश अप ही क्यों, मैश अप के क्या आइडिया क्या था जब ये गाना बनाने वाले थे, तो क्या ऑफ कोर्स आप दोनों ने बैठ के इससे पहले इसको डिसाइड किया होगा, मैश अप ही क्यों, क्या इस वजह से कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा इन है मैश अप, या कोई और वजह थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये कि मार्केट में बहुत ज्यादा इन है मैश अप, और दूसरा आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है सिर्फ इंडियन गाने जो है उनको फोकस किया जाता है मैश अप के लिए, तो स्पेशली इसमें जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि पाकिस्तानी गाने जो है सिर्फ उनको
हमने इंक्लूड करके इस मैशअप को कंप्लीट करना है ताकि अपना म्यूजिक जो है उसको प्रमोट किया जा सके। सही। अच्छा इरफान भाई, ये तो गीत हो गया आपका, बहुत जबरदस्त किस्म का इसका रिस्पांस भी आ रहा है, आइंदा का क्या प्लान है? और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बेस्ड हैं? आप भी फैसलाबाद बेस्ड हैं, लाहौर बेस्ड हैं, कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको सिंगिंग करते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी फैसलाबाद बेस्ड हूँ और इट्स अबाउट लाइक मतलब 8 to 9 years जिस तरह काशिफ भाई ने बात की, ऑब्वियसली पहले स्कूलिंग से स्टार्ट होता है एंड आई वाज आल्सो नॉट इन स्कूल, और उसके बाद मैट्रिक के बाद मुझे वेरी फर्स्ट टाइम मौका मिला मिली नगमा गाने का, मेहदी हसन साहब का अपनी जान नजर करूं, तो उसके बाद से जो है ना वो फिर जो है वो म्यूजिक की साइड पे आना हुआ, और उसके साथ जब म्यूजिक इंडस्ट्री को चूज किया फिर साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहती है, सीनियर्स से मिलना जुलना होता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ग्रेजुअली फिर चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है। सही। अच्छा इरफान भाई, आइंदा का फ्यूचर के हवाले से बताइएगा, क्या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? जैसे कि काशिफ ने हमें अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताया भी कि वो इन इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप बताइए कोई ऐसा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में मौजूद है, कोई वीडियो की शूट्स चल रही हैं, या कोई आगे का क्या इरादा है? डुएट करेंगे, गजल गाएंगे, कोई प्लेबैक सिंगिंग करने का इरादा है? क्योंकि आपकी आवाज में सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि आपकी आवाज में वो प्लेबैक सिंगिंग वाला जो हर किसी प्लेबैक सिंगर में होता है ना, एक टेक्सचर होता है प्लेबैक सिंगर का, तो मुझे वो आपकी आवाज में वो नजर आया। क्या कोई किसी फिल्म से ऑफर हुई है, कोई आइंदा प्लेबैक सिंगिंग का इरादा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉम्प्लीमेंट मुझे ऑलमोस्ट हर अच्छे सुनने वाले से मिलता है, थैंक यू सो मच फॉर यू एज वेल, और चीजें लाइनअप है इंशाल्लाह, अभी यहाँ से जाते मेरा एक ऑडियो रेडी है, उसका जाते वीडियो कम्प्लीट करूंगा, उडीका के नाम से पंजाबी ट्रैक, मेरा सोलो ट्रैक वो लॉन्च करेंगे, के बाद कुछ ओएसटी लाइनअप है वो जाके इंशाल्लाह जैसे उनके साथ चीजें फाइनलाइज होती हैं तो उनको भी जो है वो फिर मार्केट में आएंगे इंशाल्लाह, और होपफुली उसका भी फीडबैक अच्छा रहेगा। सही। इरफान भाई, यूके का टूर अमूमी तौर पे लोग 10-10 12-12 गीत कर लेते हैं, यूके का टूर नहीं लगता, एक ही गीत और इतना जबरदस्त किस्म का वो रहा, और फिर उसके फौरन बाद यूके का टूर आप कर रहे हैं, कैसा रहा यहाँ पे अभी तक? आज आपकी पहली परफॉर्मेंस है शायद मैनचेस्टर में, फिर आपकी इल्फर्ड में कल परफॉर्मेंस है, दोबारा मैनचेस्टर में परफॉर्म करने वाले हैं, कैसा लग रहा है? थोड़े नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं, क्या कैसा लग रहा है? थोड़ी सी नर्वसनेस भी है बट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, और इट ऑल गोज टू माय फ्रेंड्स और जितने इस फील्ड के मेरे सीनियर्स हैं उन सबकी दुआएं, सबकी कोशिशें मुझे यहाँ तक लेके आई हैं कि एक ही ट्रैक के बाद इतना बड़ा मुझे जो है वो फीडबैक मिला, इतना बड़ा स्टेप जो है यहाँ पे अपने आप को ग्रूम करने के लिए मिला, तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सिर्फ अल्लाह पाक की रहमत है और दोस्तों का साथ है। सही। काशिफ भाई से हमने गीत सुने, ये हो नहीं सकता कि आपसे हम लाइव ना सुन पाएं, और यकीनन मैं चाहूंगा कि आपका अपना गीत अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दें, फिर मैंने आपको प्लेबैक का कमेंट दिया तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि कोई अगर आप अपनी मर्जी का आपके दिल के जो करीब हो कोई प्लेबैक जो किसी हमारे सोनू निगम या कोई भी आपके जो दिल के करीब गाना हो वो हमें थोड़ा सा गुनगुना दें, देन ऑफकोर्स इफ यू कैन जो आपका आइंदा प्रोजेक्ट है जो आप पंजाबी वाला कह रहे हैं, अगर कोई इशू ना हो, अगर थोड़ा सा एक्सक्लूसिव वो भी हमारे सुनने वालों को सुनाना चाहें। प्लेबैक मुझे खुद भी ज्यादा फिल्मी ट्रैक्स पसंद हैं और किशोरदा वन ऑफ माय फेवरेट, तो एक ट्रैक जो है वो अच्छा मोस्टली सुनने वाले लोग जो है वो मुझे कहते हैं कि भाई ये आपका ना सिग्नेचर ट्रैक है, तो मैं वही सिग्नेचर ट्रैक आपको भी सुनाना चाहूंगा। जी प्लीज इरशाद। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न तो जो ये क्या हुआ। अरे वाह ए दिल जल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे, ऐ दिल जल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे, यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था, हुआ ना ये क्या हुआ,
कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। अमेजिंग अरफान, सीरियसली बिल्कुल ये आपकी सिग्नेचर ट्यून ही लगती है और आपकी जो वॉइस का टेक्सचर है उससे बहुत जबरदस्त किस्म का मैच करती है। सीरियसली आई वॉज मेस्मराइज्ड विद दिस अमेजिंग ट्यून यू सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त गीत था। और अगर अब आप हमें थोड़ा सा देसी माशअप भी सुनाना चाहें। जी हाँ, देसी माशअप में अच्छा एक उसमें ना सब ढोल मनावणाए, सब यार मनावणाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ए हो मतलब का बनाए, हो मतलब का बनाए, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है अरफान भाई, बहुत खूब। और बिल्कुल बताइएगा आप भी अगर अपने YouTube चैनल के हवाले से बताना चाहें, ताकि आपसे भी लोग अगर इंटरेक्ट करना चाहें, आपके जो वीडियोस हैं कहाँ पे अगर आप अपलोड करते हैं तो कहाँ पे अपलोड करते हैं, आपका क्या अपना YouTube का चैनल है जहाँ पे आप अपने गाने, अपने म्यूजिक, अपना वर्क जो है उसे अपलोड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो लाइव रिकॉर्डिंग उनकी पड़ी हुई है, इरफान महमूद के नाम पर यूट्यूब चैनल है, तो सब लोग वहाँ पे जाके मेरी वीडियोस लाइव परफॉर्मेंसेज की देख सकते हैं। और सेकेंडली जो मेरा अपना मैशअप रहा वो हमारा पाकिस्तान का वेरी वेल नोन चैनल है सुरिस्तान के नाम से, सुरिस्तान के नाम से आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं, या देसी मैशअप इरफान महमूद के नाम से आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं, तो वो शबनम मजीद फीड इरफान महमूद आपको देसी मैशअप वहाँ पर मिल सकता है यूट्यूब पे। सही है इरफान भाई, ये बताइए कि क्या फैसलाबाद में मीठा जो है मीठा उसकी कोई ज्यादा वो हो रही है, क्या उसे कहते हैं, काश्त ज्यादा हो रही है, बड़ी मीठी मीठी आवाजें, आपकी आवाज बड़ी मीठी, काशिफ की आवाज बड़ी मीठी, और अमूमी तौर पे जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जहन में यही सवाल आता है क्योंकि जितने भी बड़े स्टेज आर्टिस्ट हैं वो सारे फैसलाबाद से हैं, तो जुगतबाजी के हवाले से जहन में आता है जब कभी भी हम फैसलाबाद का नाम लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आप दोनों की आवाज सुन के मुझे लगता है कि अगले आप दोनों भाई जो है मेरे वो पाकिस्तान को जो है रॉक करने वाले अपनी मीठी मीठी आवाजों से। इंशाल्लाह आपकी दुआ चाहिए, और ये मिठास जो है ये इसी मोहब्बत की वजह से है, जिस तरह से आप सब लोग जितने सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, जितनी ज्यादा वो मोहब्बत करते हैं उतनी मिठास हमारी आवाज में आती है। क्या बात है इरफान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काशिफ से बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारे सुनने वालों को, जैसे कि मैंने काशिफ को भी बताया था कि यहाँ पे जो अक्सरियत आबादी है हमारे शहर में, हालांकि हमारा जो रेडियो है वो बर्मिंघम में सुना जाता है, मैनचेस्टर में, ग्लासगो में सुना जाता है, लेकिन हमारा जो स्टूडियोज है वो हरिसफील्ड में है और यहाँ की जो अक्सरियत आबादी है वो फैसलाबाद से है, आपके इलाके से हैं लोग, तो उन्हें कोई मैसेज देना चाहें रेडियो संगम के थ्रू आपके म्यूजिक के हवाले से, आपके कॉन्सर्ट के हवाले से, तो शायद अब मुमकिन ना हो क्योंकि बहुत कम वक्त है, लेकिन आइंदा जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे क्योंकि आप उनके शहर से हैं और वो पंजाबी जी कहते भी ने ना कि अपने ग्राम वाले हैं, अपने शहर वाले हैं, बड़ा मान होता है, तो बिल्कुल अगर तुसी उन्होंने कोई मैसेज देना चाहो। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं और हमारे घिराई हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सबकी जो है वो फैन फॉलोइंग की वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, तो सबसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मैनचेस्टर में जितने भी लोग इजीली अप्रोच कर सकें यहाँ पे आए, हमें लाइव सुने और मिलके हमारे साथ बैठे, अच्छा गेट टुगेदर करते हैं, सिर्फ एज अ आर्टिस्ट जो है वो तो बहुत मतलब बहुत बहुत लोग देखते हैं कि जी आर्टिस्ट आया हुआ है, आर्टिस्ट आया हुआ, तो पर्सनली गैदरिंग जो है वो बड़ा कम मिलती है, तो यहाँ पे आए, आके बैठे हैं, हम साथ में जो है वो बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं, सही है।
Sahi, Irfan, it was a pleasure talking to you, my brother, and of course, Kashif as well. Really, really proud of knowing you both. And मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान का आप मेरे ये दोनों भाई बहुत जबरदस्त किस्म का नाम रोशन करने वाले हैं. Thank you very much. एक बार फिर से आपका 6 तारीख को आपने दोबारा वापस आना है. If you can, guys, please come into the studios and we'll try to interact with the community here in Huddersfield. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. Thank you. Allah Hafiz. And this was Afar Mehmood. What a sweet guy he is. Seriously, in love with his amazing voice. What a guy. Well, they are performing later on in Manchester tonight on Stockport Road. So, guys, go and support these artists from your own city, from your own town, from your own country. They are just here for us. Irfan Mehmood featuring Shabnam Majid. This is Desi Mashup. Enjoy this amazing tune. Keep a locked radio, Sangam. And these tunes will take you towards the little commercial break and then the news break, of course. And then I'll see you soon after that. Keep a locked radio, Sangam. This is your Veer Tanveer. At your very own Radio Sangam 107.9 FM.